क्या आप जानते हैं, वायरस छोटे आकार और सरल संरचना का संक्रामक एजेंट जो केवल जानवरों, पौधों या बैक्टीरिया की जीवित कोशिकाओं में ही गुणा कर सकता है। यह नाम एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चिपचिपा तरल या जहर। इनमें आनुवंशिक सामग्री, प्रोटीन और एंजाइम होते हैं, जबकि उनमें से कुछ में बाहरी लिपिड आवरण भी होता है। चूंकि उनकी कार्य प्रणाली दृढ़ता से मेजबान कोशिका पर निर्भर करती है, इसलिए उन्हें परजीवी माना जा सकता है, लेकिन उन्हें जीवित जीव नहीं माना जाता है। वायरल प्रतिकृति के लिए एक मेजबान कोशिका की आवश्यकता होती है। उनकी आनुवंशिक सामग्री के अनुसार वायरस को आरएनए वायरस या डीएनए वायरस के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन्हें उनके आकार के अनुसार भी वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रमुख प्रकार हेलिकल, क्यूबिकल और जटिल वायरस हैं। वायरस ढके हुए या नग्न हो सकते हैं। वायरस का आकार और आकार बहुत भिन्न होता है। उनमें से अधिकांश बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के आकार तक पहुंच जाते हैं। सबसे छोटे वायरस की लंबाई 20 से 300 नैनोमीटर होती है, जबकि सबसे बड़े वायरस की लंबाई 1400 नैनोमीटर तक हो सकती है। मेजबान कोशिकाओं के बाहर रहने वाले एक पूर्ण वायरस को विरियन कहा जाता है। विषाणु शरीर के बाहर अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। वायरस बैक्टीरिया के साथ साथ जानवरों और पौधों की कोशिकाओं को भी संक्रमित कर सकते हैं। हालांकि इन कोशिकाओं की संरचनाएं अलग अलग हैं, संक्रमण प्रक्रिया के मुख्य चरण समान हैं। पहले चरण के दौरान वायरस मेजबान कोशिका की कोशिका झिल्ली से जुड़ जाता है, फिर वायरस कोशिका में प्रवेश करता है, फिर इसका कैप्सिड अपने एंजाइमों और आनुवंशिक सामग्री को मेजबान कोशिका के साइटोप्लाज्म में छोड़ने के लिए खुलता है। एंजाइम मेजबान कोशिका के चयापचय को बदलते हैं और इसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे वायरस घटकों का उत्पादन करने के लिए मजबूर करते हैं। संक्रमण के दौरान कई नए वायरस इकट्ठे होते हैं जो फिर विभिन्न तरीकों से मेजबान कोशिका को छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए हर्पीस वायरस कोशिका झिल्ली के माध्यम से मेजबान कोशिकाओं से निकलते हैं। कुछ वायरस अपनी रिहाई के दौरान मेजबान कोशिका की कोशिका झिल्ली के एक टुकड़े को फाड़कर एक लिपिड आवरण प्राप्त कर लेते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस। पौधों को संक्रमित करने में सक्षम विषाणुओं में से एक टोबैको मोज़ेक विषाणु है। इसकी संरचना बहुत सरल है। इसमें एक एकल आरएनए होता है जो एक पेचदार कैप्सिड से घिरा होता है। इस वायरस का अस्तित्व 19वीं सदी के अंत में ही मान लिया गया था। हालांकि वायरस की संरचना और कार्य प्रणाली का वर्णन केवल 20वीं सदी में किया गया था। इस रोग जनकत्व की खोज के बाद ही वायरस शब्द की उत्पत्ति हुई, जो लैटिन अभिव्यक्ति टिंकटाइल वायरस से आया है, जिसका अर्थ है तरल जहर। टोबैको मोज़ेक वायरस तंबाकू के पौधे के अलावा टमाटर, काली मिर्च, ककड़ी और कुछ सजावटी पौधों को भी संक्रमित कर सकता है। संक्रमण के कारण पत्तियों की शिराओं के बीच का ऊतक अपना रंग खो देता है और पत्तियां झुर्रीदार हो जाती हैं, जिससे मोज़ेक जैसा पैटर्न बन जाता है। तंबाकू उत्पाद, खास तौर पर वे जिनमें हवा से सुखाया गया तंबाकू होता है, उनमें टीएमवी हो सकता है। बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज के रूप में जाना जाता है। वे हर जगह पाए जा सकते हैं जहां बैक्टीरिया रहते हैं। अनुमान के मुताबिक दुनिया में 1031 बैक्टीरियोफेज हैं, जो बैक्टीरिया और अन्य सभी जीवित जीवों की कुल संख्या से कहीं अधिक है। बैक्टीरियोफेज में एक सिर, एक गर्दन, एक पूंछ होती है। बैक्टीरियोफेज की आनुवंशिक सामग्री डीएनए या आरएनए दोनों हो सकती है। लाइटिक चक्र में एक बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया को संक्रमित करता है और उसे मारकर प्रोजेनी वायरस छोड़ता है। जब वायरस बैक्टीरिया के शरीर में अपना डीएनए स्थानांतरित कर देता है, तो बैक्टीरिया उसे अपना डीएनए समझकर उसके कई संतति डीएनए तैयार करता है। इस प्रक्रिया से वायरस की संख्या बढ़ जाती है। एचआईवी वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यह एक रेट्रोवायरस है जो मनुष्यों में एड्स रोग उत्पन्न करता है। वायरस प्रतिरक्षा कोशिकाओं, मुख्य रूप से टी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है।
प्रतिरक्षा प्रणाली की क्रमिक विफलता से अन्य संक्रमण या कैंसर विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस रोग का कोई इलाज नहीं है। एचआईवी संक्रमण को मुख्य रूप से यौन संचारित माना जाता है, लेकिन यह रक्त आधान, स्तनपान, प्रसव के दौरान या घावों के संपर्क के माध्यम से भी फैल सकता है। आम धारणा के विपरीत, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच रोजमर्रा के संपर्क, जैसे हाथ मिलाना, से वायरस से संक्रमित होने का खतरा नहीं बढ़ता है। ज्यादातर मामलों में एचआईवी एड्स में कम समय के लिए फ्लू जैसे लक्षणों का अनुभव होता है, जो संक्रमण होने के 2 से 6 सप्ताह में दिखते हैं। उसके बाद यह भी हो सकता है कि कई सालों तक कोई लक्षण न दिखे। यह पाया गया है कि एचआईवी संक्रमित 80% लोगों में फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं। एचआईवी एक गोल या लगभग गोल वायरस होता है। बाहर की ओर इसमें एक लिपिड आवरण होता है, जो मेजबान कोशिका की कोशिका झिल्ली से उत्पन्न होता है, जिसमें वायरस का उत्पादन हुआ था। लिपिड लिफाफे में एम्बेडेड सतह प्रोटीन होते हैं। लिपिड आवरण के नीचे एक बाहरी प्रोटीन खोल, मैट्रिक्स, और एक आंतरिक कैप्सिड होता है। अनुवंशिक सामग्री की 2 प्रतियां एक एकल फंसे हुए आरएनए कैप्सिड से घिरी होती हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस फ्लू रोग का जनक है। संक्रमण के कारण तेज बुखार, नाक बहना, जोड़ों में दर्द, गले में खराश, सिर दर्द और थकान होती है। लक्षण हल्के या गंभीर हो सकते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस कई प्रकार के होते हैं। सबसे गंभीर महामारी का कारण बनने वाला प्रकार इन्फ्लुएंजा ए वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस फ्लू का कारण बनता है। इन्फ्लुएंजा ए, बी और सी सबसे आम प्रकार हैं जो लोगों को संक्रमित करते हैं। इन्फ्लुएंजा ए और बी मौसमी है। अधिकांश लोग सर्दियों में इनसे पीड़ित होते हैं। यह वायरस किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में रहने से फैलता है। कुछ परिस्थितियों में प्रदाता एंटीवायरल दवाओं से फ्लू का इलाज कर सकते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस एक लिपिड आवरण से ढका होता है। स्पाइक जैसे प्रोटीन प्रोट्रूशियंस लिफाफे में एम्बेडेड होते हैं। आवरण के नीचे एक प्रोटीन खोल या कैप्सिड होता है, जो वायरस के केंद्र में पाए जाने वाले आरएनए अणु को घेरता है। कोरोना वायरस COVID-19, जिसे कोरोना वायरस रोग भी कहा जाता है। इस वायरस को सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 या अधिक सामान्यतः SARS-CoV-2 कहा जाता है। यह 2019 के अंत में फैलना शुरू हुआ और 2020 में एक महामारी रोग बन गया। COVID-19 का कारण बनने वाला वायरस आमतौर पर निकट संपर्क में रहने वाले लोगों के बीच तरल पदार्थ की छोटी बूंदों के माध्यम से हवा के माध्यम से फैलता है। COVID-19 से पीड़ित कई लोगों में कोई लक्षण नहीं होते या वे हल्के बीमार होते हैं, लेकिन वृद्ध वयस्कों और कुछ चिकित्सा स्थितियों वाले लोगों के लिए COVID-19 के कारण अस्पताल में देखभाल की आवश्यकता हो सकती है या मृत्यु हो सकती है। COVID-19 के सामान्य लक्षण अक्सर वायरस के संपर्क में आने के 2 से 14 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। इसके कुछ सामान्य लक्षण जैसे सूखी खांसी, सांस लेने में कठिनाई, स्वाद या गंध की हानि, थकान आना, पाचन संबंधी लक्षण जैसे पेट खराब होना, उल्टी या दस्त होना, जिसे डायरिया कहा जाता है। कोरोना वायरस कण लंबे आरएनए पॉलीमर के साथ व्यवस्थित होते हैं, जो कण के केंद्र में कसकर पैक होते हैं और एक सुरक्षात्मक कैप्सिड से घिरे होते हैं, जो दोहराए गए प्रोटीन अणुओं का एक जाल होता है, जिसे कोट या कैप्सिड प्रोटीन कहा जाता है। कोरोना वायरस में इन प्रोटीनों को न्यूक्लियोकैप्सिड कहा जाता है। कोरोना वायरस कोर कण आगे प्रोटीन डाले गए लिपिड, वसा से बने एक बाहरी झिल्ली लिफाफे से घिरा हुआ है। ये झिल्लियां उन कोशिकाओं से निकलती हैं जिनमें वायरस आखिरी बार इकट्ठा हुआ था। मनुष्य में वायरस का संक्रमण बहुत ही सुगमता और सहजता से हो सकता है। वायरल संक्रमण के दौरान वायरस अपने आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए को मेजबान कोशिका में इंजेक्ट करते हैं। ऐसा करने में वे मेजबान कोशिका के चयापचय को पुनः प्रोग्राम करते हैं, ताकि वह अपनी कोशिका सामग्री से वायरस पैदा कर सके।
वायरस केवल मेजबान कोशिका में ही प्रजनन कर सकते हैं, उनमें चयापचय नहीं होता है, इसलिए वे जीवित प्राणी नहीं हैं। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। इससे जुड़ने के बाद वायरस अपनी आनुवंशिक सामग्री को जीवाणु में डाल देता है, जो वायरस पैदा करना शुरू कर देता है। मृत जीवाणु से निकलने पर वायरस अन्य कोशिकाओं को संक्रमित करना शुरू कर देते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रोटीन खोल में आरएनए होता है, और यह प्रोटीन खोल एक लिपिड झिल्ली से घिरा होता है, जो मेजबान कोशिका की कोशिका झिल्ली से निकलता है। इन्फ्लुएंजा वायरस खांसने और छींकने से निकलने वाली छोटी बूंदों में फैलते हैं। वायु मार्ग तक पहुंचने पर वे अपने आरएनए को कोशिकाओं में इंजेक्ट करते हैं। फिर मेजबान कोशिकाएं वायरस उत्पन्न करती हैं, जो आगे की कोशिकाओं को संक्रमित करती हैं। संक्रमण आमतौर पर हानि रहित होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह जीवन घातक जटिलताओं का कारण बन सकता है। स्पेनिश फ्लू महामारी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले ली, इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H1N1 उपप्रकार के कारण हुई थी। टीकाकरण इन्फ्लुएंजा से बचाव का एक प्रभावी तरीका है। वायरस की उच्च उत्परिवर्तन दर के कारण टीकाकरण की सिफारिश की जाती है, हर साल दोहराया जाता है। आप सबको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट और शेयर करें। ऐसे और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे।